सभी छात्र छात्राएं अच्छे सुने, ये जो कविता है चौथी कविता है और कविता का नाम है एन एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। खाली आप एन ले यानी एक शोक गीत खाली लिख सकते हैं और यह आपकी परीक्षा में या तो सेंट्राडिया के रूप में आएगा या एक्सप्लेन के रूप में आएगा। अगर एक्सप्लेनेशन आता है तो ये 8 नंबर का आएगा। आपको सिर्फ पहचानना है लास्ट वाले दो संज्ञाएं, लेट नॉट एमिशन मोक देयर यूजफुल टॉयल, यानी हमें अपनी सुंदरता पर, शक्ति पर और धन पर घमंड नहीं करना चाहिए क्योंकि मृत्यु का क्षण सभी का समान इंतजार कर रहा है। और फिर नीचे वाला था बोच ऑफ हार्डली, यानी उच्च घराने में जन्म लेने का अभिमान करने वाले, द पंप ऑफ पावर, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने वाले। कुल मिला के इस कविता में से कोई भी सीन आता है सबका एक ही एक्सप्लेनर बनाया हुआ है और इस एक्सप्लेनर को करना ही 8 नंबर का आएगा। आप जानते हैं कैसे आएगा, तो पहचान में बता रहा हूँ और बताइए मेरे साथ, बोच ऑफ हार्डली आएगा या लेट नॉट एमिशन मोक देयर यूजफुल टॉयल, यानी हमें उन गरीबों पर नहीं हंसना चाहिए, मजाक नहीं करनी चाहिए जो लोग सारा जीवन बिताते हैं। तो कभी ने एक छोटे से गांव के बारे में वर्णन किया है, एक छोटे गांव के लोग इस संसार में हमेशा के लिए दफना दिए गए हैं, हमें उन पर हंसना नहीं चाहिए क्योंकि मृत्यु सबके लिए समान है और हमको भी मरना है। तो रेफर लिखेंगे, कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे और एक्सप्लेनेशन डालने के बाद आप इसको हिंदी में पढ़ें और हिंदी से इंग्लिश बनाना सीखें। रट्टा मार के कभी नहीं करें, ऐसा न करें कि इंग्लिश लिखवा लो और इंग्लिश को रटो, उससे कभी आपका विकास नहीं होगा। विकास होगा हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन कर करके, टोटल इंग्लिश करके रट्टा मार के। जीवन का कभी भी कोई उद्देश्य पूरा नहीं होता है, उद्देश्य पूरा होता है नॉलेज के माध्यम से। तो कैसे करेंगे, तो ये लिखा है एक शो गीत थॉमस ग्रे की कविता है, तो हम लिख सकते हैं एन एन एलेजी, एन एलेजी इज ए पोएम, शब्द लिखेंगे नोटबुक पर, पोएम ऑफ थॉमस ग्रे, ऑफ थॉमस, थॉमस ग्रे, थॉमस ग्रे की कविता है। वह हमें जीवन के सत्य के बारे में बताता है, इतनी सुंदर बात है। तो ही टीचेज बताता है, टीचेज मीन्स होता बताना, सिखाना। ही टीचेज अस, टीचेज अस अबाउट, अबाउट द रियलिटी, अबाउट द रियलिटी ऑफ लाइफ, रियलिटी ऑफ लाइफ। वह जीवन के सत्य के बारे में बताता है, वह कहता है कि मृतकों को कोई नहीं जगा सकता है। तो ही सेड दैट, ही सेड दैट नथिंग, नथिंग, नथिंग कैन अवेक, नथिंग कैन अवेक, अवेक डाइड पीपल, यानी मरे हुए लोगों को कोई नहीं जगा सकता है। वह उन लोगों के लिए दुख व्यक्त करता है जो इन संसार में जीवित नहीं है। तो कुछ मत करिए, पहले आप करता लिखेंगे, करता, करता वह की क्या होती है ही, और आप ऐसे करके पीछे से सेंटर बना जाइए, आपका कभी भी सेंटर गलत नहीं होगा। वह की ही पीछे से व्यक्त करता है तो ही एक्सप्रेस है, ही एक्सप्रेस है, वह व्यक्त करता है, वह व्यक्त करता है किसको, दुख को। ही एक्सप्रेस है हिज सोरो, ही एक्सप्रेस है हिज सोरो, और के लिए की क्या होती है फॉर, के लिए उन लोगों के लिए, फॉर दोज पीपल, उन लोगों के लिए क्या होता है फॉर दोज पीपल, उन लोगों के लिए, फॉर दोज पीपल जो इस संसार में जीवित नहीं है। तो ये सेंट बनाना है, जो इस संसार में जीवित नहीं है, तो जो की क्या होती है हु, और पीछे से है की क्या होती है आर, नहीं की नॉट, और पीछे से हमेशा करता लिखने का पीछे से, और जीवन जीवित की होती है अलाइव, में की होती है
एन और ये संसार में, तो इन देशों, इन देश वर्ल्ड, इन संसार में जीवित नहीं है, वे बहुत साधारण थे, तो इसका हो जाएगा दे वर, वे बहुत साधारण थे, तो दे वर वेरी सिंपल, दे वर वेरी सिंपल, वे बहुत साधारण थे। कवि हमें सलाह देता है तो पहले हम लिखेंगे कवि की क्या होती, द पोएट, द पोएट हमें सलाह देता है तो एडवाइजेज, ए डी वी आई एस एस, द पोएट एडवाइजेज अस दैट, हमें सलाह देता है कि हमें अपनी सुंदरता पर, धन पर और शक्ति पर घमंड नहीं करना चाहिए। तो पहले हम करेंगे हमें क्यों होती, वी ऐसे 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 ऐसे, ये और ऐसे, आपका सेंटेंस कभी गलत नहीं होगा। तो बी नीचे से शुड, क्या आएगा शुड, और नहीं की नॉट, और घमंड करना की घमंड करना प्राउड, बी शुड नॉट प्राउड ऑफ, और किस किस पर क्यों, शक्ति आगे लिखे चाहे पीछे लिखे कोई दिक्कत, शक्ति पावर सुंदरता ब्यूटी, लास्ट वाला का जोड़ते हैं एंड से एंड, और किस पर नहीं, एंड पावर, और शक्ति पर घमंड नहीं करना चाहिए, पावर ब्यूटी और क्या है धन पर एंड मनी, आगे पीछे कुछ भी लिख सकते, कोई दिक्कत, क्योंकि बिकॉज, क्योंकि की क्या होती है बिकॉज, क्योंकि एक दिन प्रत्येक को मरना होगा, तो एक दिन की क्या होती है वन डे प्रत्येक को मरना होगा, तो एवरीवन मरना होगा, मरना पड़ेगा, एवरीवन विल हैव टू डाई, मरना पड़ेगा, मृत निश्चित है, डेथ डेथ इज सर्टेन, मृत निश्चित है, वह सबके लिए समान आती है, तो वह एक सिंपल बेजानदार पे चले जाता है, इट कम्स टू ऑल, और सबके लिए आती है समान इक्वल, इट कम्स टू ऑल इक्वल, वह सबके लिए समान, वह सबके लिए समान है। तो इसमें सेंटेंस चेंज करके देखा नहीं हमने, यहाँ का तो वह सबके लिए समान आती है, जोड़ दो आती है, ऐसे आप हिंदी से इंग्लिश बना बना करके सीखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि हम और ज्यादा बढ़ा सके। ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग।